आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा आर कॉज्ड ड्यू टू। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, इनके पॉजिटिव एजेंट कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बात करी जाए ब्रोंकाइटिस की, तो ब्रोंकाइटिस ये ट्रिगर होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, और ये एक्सपोजर किस चीज का या किन चीजों का होगा, तो टोबैको स्मोक का एक्सपोजर अगर होता है, डस्ट और केमिकल्स, और ये केमिकल्स स्मोक डस्ट ये थ्रू एयर, क्योंकि ब्रोंकाइटिस ये ब्रोंकस, ये जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके बारे में या उसके रिलेटेड वर्ड है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। बात करें अगर अस्थमा की, तो अस्थमा में क्या होगा, अस्थमा में एयरवे नैरोइंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये जो रिलेटेड है वो है एयर से, तो अगर एयर में पोल्यूशन है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीजेस ऑब्वियस है। तो ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा ये रिलेटेड है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और एयर अगर पोल्यूटेड है तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होना बहुत ही ज्यादा आम बात है। तो एयर पोल्यूशन ये होगा अपना सही आंसर। वाटर पोल्यूशन खास करके अपना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक GIT से रिलेटेड होता है, तो ये हो जाएगा गलत आंसर। लैंड पोल्यूशन जो है वो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत ऑल, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 और 3 गलत है, तो ऑल भी हो जाएगा गलत। और सही ऑप्शन है एयर पोल्यूशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा के लिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।